सो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि गाइस, अगर आप पेटीएम एप्लीकेशन को यूज करते हैं और आप अपना बैंक अकाउंट अपने पेटीएम से ऐड किए हैं और गाइस आप पैसा किसी दूसरे के पास ट्रांसफ़र करते हैं और आपका पैसा कट जाता है, लेकिन उस बंदे के पास पैसा आपका नहीं पहुंचता, या गाइस आप पेटीएम से कुछ भी करते हैं और आपका कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो गाइस इस कंडीशन में गाइस आप पेटीएम कस्टमर केयर से आप बात कैसे करेंगे और गाइस आपको पेटीएम कस्टमर केयर का नंबर आपको कैसे मिलेगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में आपको पूरा फुल डिटेल में बताने वाले हैं कि गाइस आप पेटीएम कस्टमर केयर से आप बात कैसे करेंगे और आपको पेटीएम कस्टमर केयर का नंबर कैसे मिलेगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में आपको पूरा फुल डिटेल में बताने वाले हैं। सो गाइस आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए नए वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आपको अपने पेटीएम कस्टमर केयर से बात करने के लिए गाइस, या आपको अपने पेटीएम कस्टमर केयर का नंबर पता करने के लिए गाइस, आपको सबसे पहले आपको अपने पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो गाइस जैसे आप अपने पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करना है तो गाइस आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, गाइस आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते समय गाइस आपको एकदम नीचे जाना है। तो गाइस जब आप स्क्रॉल करते समय गाइस आप अपने पेटीएम को एकदम नीचे जाएंगे तो गाइस आपको वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा। तो गाइस आपको वहाँ पे चार ऑप्शन मिलेगा। पहला जो ऑप्शन है गाइस आपको वहाँ पे कैशबैक ऑफर्स का, और गाइस वहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है गाइस आपको वहाँ पे रेफर एंड अर्न का, और गाइस वहाँ पे जो आपको जो तीसरा जो ऑप्शन मिलेगा बीकेएम मर्चेंट का। तो गाइस आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको वहाँ पे चौथा जो ऑप्शन मिलेगा गाइस आपको वहाँ पे कॉन्टैक्ट 24x7 हेल्प सपोर्ट। तो गाइस आपको चौथे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, 24x7 हेल्प सपोर्ट पे। तो गाइस जैसे आप यहाँ से 24x7 हेल्प सपोर्ट पे आप क्लिक कर देंगे, उसके बाद में गाइस आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। तो गाइस इसलिए गाइस हम आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके नहीं दिखा रहे हैं, वहाँ पे गाइस पूरा ब्लैक आ जाएगा। इसलिए गाइस हम आपको वहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्क्रीन शॉट यहाँ पे लगा दे रहे हैं गाइस, आप देख सकते हैं और आपको कैसे करना है। तो गाइस जैसे आप यहाँ से 24x7 पे आप क्लिक करेंगे तो गाइस आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। तो सिंपली गाइस आपको क्या करना है, आपको एकदम नीचे जाना है। एकदम नीचे जाने के बाद में गाइस आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कॉन्टैक्ट 24x7 हेल्प। तो गाइस आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे 24x7 हेल्प पे आपको क्लिक करना है। तो गाइस जैसे आप यहाँ से 24x7 हेल्प पे आप क्लिक कर देंगे, उसके बाद में गाइस आपको यहाँ पे पेटीएम कस्टमर केयर का आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएगा। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे पहले यहाँ पे गाइस आपको चार नंबर मिलेंगे। तो गाइस आपको यहाँ पे जो पहला जो नंबर मिलेगा वैलेट बैंक, और गाइस यहाँ पे आपका कोई भी मतलब इशू हो, या गाइस आपका बैंक का इशू हो, या गाइस आपका पेटीएम पेमेंट बैंक का इशू हो, या गाइस आपका वैलेट का इशू हो, तो गाइस आप फर्स्ट नंबर पर आप क्लिक करके उनसे सिंपली आप बात कर सकते हैं कि गाइस मेरा ये प्रॉब्लम है, आप इस मेरे इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर दीजिए। अब गाइस बात कर लें हम दूसरे नंबर का। तो गाइस मेरा जो दूसरा नंबर है यहाँ पे है, यहाँ पे गाइस अगर आप अपने पेटीएम से मूवी टिकट या कुछ भी आप बुक करते हैं तो गाइस अगर आपका वहाँ पे कोई भी इशू हो जाता है तो गाइस आप सिंपली सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप मैसेज के भी थ्रू और गाइस आप डायरेक्ट कॉल के भी थ्रू आप बात कर सकते हैं। अब गाइस बात कर लें हम अपने तीसरे नंबर के। तो गाइस हमारा जो तीसरा जो नंबर है यहाँ पे है गाइस ट्रैवल या होटल बुकिंग, या गाइस आप कहीं पे ट्रैवल करते हैं, आप टिकट बुक करते हैं, गाइस आप होटल का टिकट बुक करते हैं और आपका जो पैसा कट जाता है लेकिन आपके जो काम है आपका काम नहीं होता है, मतलब आपका जो पैसा कट जाता है लेकिन आपका काम नहीं होता है, तो गाइस आप इस कंडीशन में क्या करेंगे। तो गाइस आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो गाइस आप थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप गाइस डायरेक्टली पेटीएम कस्टमर केयर से आप बात कर सकते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, आप मेरे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए। अब गाइस हम बात कर लें अपने चौथे नंबर के बारे में। तो गाइस मेरा यहाँ पे जो चौथा जो नंबर है गाइस यहाँ पे माल की तरफ से आ रहा है, मतलब पेटीएम माल की तरफ से। अगर गाइस आप पेटीएम माल या गाइस आप पेटीएम से शॉपिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं गाइस, अगर आपको वहाँ पे कोई भी इशू हो जाता है गाइस, तो गाइस आप सिंपली आप चौथे वाले नंबर पे आप क्लिक करके पेटीएम कस्टमर केयर से आप बात कर सकते हैं। तो गाइस इन चारों नंबर को गाइस आपका जो भी इशू होगा गाइस आप इस चारों नंबर पर कॉल करके आप इजीली पेटीएम कस्टमर केयर से आप बात कर सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से गाइस आप पेटीएम कस्टमर केयर का नंबर पता कर सकते हैं और गाइस आप कॉल करके पेटीएम कस्टमर केयर से आप बात कर सकते हैं। सो आशा करते हैं कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए नए वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद वंदे मातरम।